Ready, let's go. So, first of all, congratulations, your film बहुत मतलब प्यार तो मिल रहा है. We're looking at you ना. हाँ. अरे मैंने किया review. नहीं. We look at you now. And what's your name again, buddy? Umesh. Yeah. Okay. Oh yeah, Umesh. Someone was saying you saw the film. किसने बोला मुझे अभी? नहीं नहीं वो कोई मूवी वाला था. Oh, वो कोई मूवी वाला था. Okay. Okay, ready? Ready. सबके दिलों में छा गए. तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसे express करेंगे अपन? पहले तो ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहता हूँ और आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि whoever's reviewed it like the audience has loved it और अभिषेक और मैं दोनों बहुत ही रिलीव्ड है और खुश है कि ये फिल्म चली और नॉट ओनली क्रिटिकली अक्सर ऐसे होता है कि क्रिटिकली फिल्म चले कमर्शियली नहीं चले बट आई थिंक इस फिल्म में एवरीथिंग हैज़ कम टुगेदर क्रिटिकली कमर्शियली इनका जो डायरेक्शन है मेरा जो परफॉर्मेंस है इनफैक्ट जो कास्ट का जो परफॉर्मेंस है सब कुछ मतलब has just come together और बहुत खुशी की बात है सेम मतलब जो उन्होंने बोल दिया एग्जैक्ट सेम फीलिंग मुझे खुशी है कि लोग सराह रहे हैं काम को हमारे बस और क्या चाहिए जॉन कोई भी फिल्म सक्सेस होती है तो उसका एक बेस होता है सो कि तो आप इस फिल्म का सबसे बड़ा बेस किसे मानते हो किससे इस ये फिल्म डेडिकेट करना चाहिए जी डेडिकेट तो आई वुड डेडिकेट इट टू द अनसंग हीरोज ऑफ द कंट्री वेरी ऑनेस्टली क्योंकि आई थिंक दोनों अभिषेक और मैं वी आर बोथ मतलब कैसे बोले हम लोग पेट्रियाटिक लवर्स ऑफ दिस कंट्री वी लव इंडिया और लेकिन हम लोग दोनों वी डोंट वेयर इट ऑन आवर स्लीव्स हम लोग दिखाने के लिए ये नहीं करते कि हमें इंडिया व इंडिया से प्यार ही हो बट वी लव इंडिया और ये फिल्म में निकल के आता है बाई द एंड ऑफ इट वैन हम लोग सल्यूट करते हैं या भारत माता की जय ये होता है वी रियली लव दिस कंट्री लेकिन डेडिकेशन तो सिर्फ हम लोग हमारे साइंटिस्ट हमारे इंजीनियर्स हमारे ब्यूरोक्रेट्स आर्मी इन सबको करना चाहते हैं मैं राइट हाँ जो हमने फिल्म में भी किया है एक्चुअली अगर फिल्म शुरू होती है तो वी हैव डेडिकेटेड एपीजे कलाम साहब या द आर्मी द साइंटिस्ट इवन द ब्यूरोक्रेट्स आई वुड से द पॉलिटिशियंस बिकॉज ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को इस देश में सिर्फ गालियाँ देते हैं बट ऐसा नहीं है वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये टेस्ट जो है उसमें अटल जी का बहुत बड़ा हाथ था और इवन ब्रजेश मिश्रा जी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बहुत बड़ा हाथ था सो एंड इवन लाइक ही सेड एपीजे अब्दुल कलाम जो उस समय साइंटिस्ट थे बाद में वो प्रेसिडेंट बने तो इन सब के लिए आई मीन ये उन सबको समर्पित है सो जॉन अगर एज अ प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए आपने एक्ट किया है सो सबसे बड़ा रिस्क क्या था और आज आप रिजल्ट देखते तो कितने रिस्क दूसरों के माइंड में सिर्फ इतना ही है जो मैं मानता हूँ कि मैं फॉर्मूला फिल्म्स नहीं करता हूँ यस एंड आई थिंक मेरे माइंड में बहुत ही क्लियर था इसी जगह पे अभिषेक